एक बार फिर करणी सेना भोपाल में प्रदर्शन करेगी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सत्ता में भागीदारी व 12 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन करने व चेतावनी देने जा रही है। प्रदर्शन के दौरान सरकार या विपक्ष दल इन 12 सूत्री मांगों को मानेगा और चुनाव में समाज के लोगों को टिकट देगा, उसे चुनाव में समर्थन देगी। यदि मांगे नहीं मानी गई तो मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में 80 से 90 उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतारेंगे। ज्ञात हो पहले भी सरकार के खिलाफ भोपाल में 16 सूत्री मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन कर चुके हैं। राजपूत करणी सेना इस प्रदर्शन के पहले दो धड़ों में बट गई थी। अब फिर मध्य प्रदेश में क्षत्रिय करणी सेना परिवार एकीकृत क्षत्रिय परिवार भारत मैदान में है। सामाजिक मुद्दों के अलावा कौन सी 12 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर आप फिर मैदान में उतरेंगे और चुनाव की तैयारी? ऐसा है सर, जो 12 सूत्री मांग है मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले सत्ता में क्षत्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले, उसके अलावा हमने क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग की मांग की है, साथ ही साथ सनातन बोर्ड के गठन की मांग की, EWS की जो विसंगतियां हैं उसे दूर करने के लिए हमने मांग रखी है। उसके अलावा क्षत्रिय छात्रों के लिए जिले स्तर पे जो ये क्या बोलते हैं अपने हॉस्टल की निर्माण की हमने मांग की है। महापुरुष और वीरांगनाओं के इतिहास के संरक्षण की मांग की है और प्रदेश में गौ रक्षा के लिए कड़े कानून की मांग की और गौ माता को राष्ट्र माता जाहिर करने के लिए उत्तराखंड के तर्ज में बिल पास करके केंद्रों को भेजने की मांग की है। लव जिहाद लैंड जिहाद को रोकने के लिए कड़े कानून की मांग की है। गुजरात में ये कानून है और उसका लाभ वहाँ की जनता ले रही है। उसके अलावा सभी भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक बल और जो अपने शहीद परिवार है शहीदों के जो परिवार उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ सरकार पहुँचाए इसके लिए